In the name of Allah, who is most merciful and the beneficent. My name is Muhammad Abu Bakr Siddiq with Code Academy. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द स्टैटिक कीवर्ड, मतलब जो स्टैटिक कीवर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये क्या चीज़ है। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि स्टैटिक वर्ड, जो स्टैटिक का कीवर्ड है वो दरअसल है क्या चीज़, मतलब कि व्हाट, फिर वाई देखेंगे कि क्यों, फिर देखेंगे व्हाट इज स्टैटिक कांस्टेंट को देखेंगे, फिर स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, और फिर हम स्टैटिक मेथड बनाने के कुछ रूल्स करेंगे, और एंड पे हम एक प्रोग्राम भी रन करेंगे जिसकी मदद से हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या बात आती है, व्हाट डज स्टैटिक मीन्स, मतलब कि स्टैटिक का मतलब क्या है। स्टैटिक का मतलब जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिक यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल, कॉन्स्टेंट या मेथड के को हम स्टैटिक के साथ कवर कर सकते हैं। क्या, किसे कर सकते हैं, स्टैटिक के साथ लेबल कर सकते हैं, मतलब कि उसको स्टैटिक की, मतलब कि स्टैटिक कीवर्ड उसमें यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे क्या है जो स्टैटिक का मतलब है, स्टैटिक मीन्स दैट द वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और मेथड बिलोंग्स टू क्लास। अगर आप स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हो, मतलब कि जो अब बताने लगे हैं क्या उसका मतलब बताने लगे हैं, अगर आप ये कीवर्ड लगा देते हो तो जो आपका क्या है, जो आपका वेरिएबल है, जो आपके कॉन्स्टेंट है वो किस से, और जो आपके मेथड है वो किससे रिलेट करेंगे, क्लास से रिलेट करेंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। थर्ड लाइन में वो यही चीज़ बताता है कि मतलब कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब कि ये कोई इतना अहम नहीं, कोई इतना ज़रूरी नहीं कि आप एक ऑब्जेक्ट की मदद से अपने स्टैटिक वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट को और मेथड्स को एक्सेस करें। ठीक है, ये था मतलब कि स्टैटिक है क्या चीज़। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उस साइड पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक, उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि वाई स्टैटिक कीवर्ड, मतलब कि स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना पड़ता था, क्लास नेम, मतलब कि ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते थे। चलें सर, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो यहाँ पर मेमोरी में मेरे पास स्पेस एलोकेट होगी। क्या होगी, स्पेस एलोकेट होगी, मतलब कि स्पेस ज़ाया हो गई या स्पेस में इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया गया। अब जब मैं स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करूँगा, स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट ही नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा, मैं इसको क्रिएट ही नहीं करूँगा, तो क्या होगी, मेमोरी मैनेजमेंट होगी। मेमोरी मैनेजमेंट होगी, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट होगी, मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट होगी तो जो आपका ऐप है, क्या है, नंबर दो पे जो आपका ऐप है उसकी स्पीड भी आल्सो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब कि अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हो तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, जो आपका ऐप है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखते हैं हमारा स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, मतलब कि अगर कोई आपको वैल्यू है, आप फाइनल इंट इस तरह लिख देते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट, मतलब कि आप एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि स्टैटिक कॉन्स्टेंट में इधर भी पब्लिक और प्राइवेट, मतलब कि जो आपका स्टैटिक कॉन्स्टेंट है, जो आपका स्टैटिक कॉन्स्टेंट है वो क्या हो सकता है, या तो वो पब्लिक हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस हो जाएगा और इनसाइड द पैकेज भी एक्सेस हो जाएगा, वाइल जबकि जो आपका है प्राइवेट वो क्या होगा, इनसाइड अ बेसिक क्लास या मतलब के इनसाइड अ इंटेंस क्लास हो जाएगा जो आपने क्लास क्रिएट की होगी। नंबर सेकंड पे ये बात कह रहा है, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक डिफाइंड कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी अल्टर, मतलब कि जो आपका स्टैटिक डिफाइंड है कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, देयर फोर इट इज़ सेफ टू मेक इट पब्लिक। तो ये बेहतर, मतलब कि ये बहुत ही हमारे लिए सेफ जरिया है कि अब हम इसको पब्लिक कर दें, मतलब कि उसकी, उस कॉन्स्टेंट को क्या बनाएं, उस कॉन्स्टेंट को हम स्टैटिक बनाएं और उसकी प्राइवेसी क्या रख दें, पब्लिक। अगर पब्लिक रखेंगे क्या होगी, वे वैल्यू चेंज नहीं होगी। मेकिंग इट पब्लिक अलोज क्लाइंट प्रोग्रामर टू यूज़ इट, मतलब कि अगर हम इसको पब्लिक बना देते हैं तो जो हमारे क्लाइंट प्रोग्रामर हैं, मतलब कि जो हमारे निचले हैं या हमारे साथी प्रोग्रामर हैं, वो क्या कर लेंगे, वो इसको यूज़ कर लेंगे।
अब जी नंबर सेकंड पे क्या आता है, ए प्राइवेट कॉन्स्टेंट कैन ओनली बी यूज विद इन क्लास डेफिनेशन। मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक बेसिक क्लास के अंदर इस प्राइवेट को यूज कर सकते हैं, इस तरह वो ये बात करे प्राइवेट कॉन्स्टेंट कैन बी यूज विद इन द क्लास डेफिनेशन, मतलब कि एक क्लास की डेफिनेशन के अंदर ही यूज हो सकता है। अब क्या, द डिक्लेरेशन ऑफ स्टैटिक डिफाइंड कॉन्स्टेंट मस्ट इंक्लूड द मॉडिफायर फाइनल, मतलब कि जो आपका स्टेटिक मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटिक डिफाइंड कॉन्स्टेंट, मतलब कि जो आपका स्टेटिक डिफाइंड कॉन्स्टेंट है मस्ट इंक्लूड द मॉडिफायर फाइनल, मतलब कि जो आपका मॉडिफायर है वो क्या हो, फाइनल हो, विच इंडिकेट्स दैट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जो कि ये बताता है कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो अब ये क्या आता है, अब बात आती है कि स्टेटिक कीवर्ड की मेनली जो बात है। अब नंबर सेकंड में वो कहता है कि जो स्टेटिक कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू क्लास एज होल, मतलब कि पूरी एक क्लास के साथ बिलोंग करता है, नॉट टू ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रिलेट करता, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कि अगर हम स्टेटिक कीवर्ड रख दें तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, हमारा जो स्टेटिक कॉन्स्टेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू द क्लास एज अ होल, मतलब क्लास से एज अ होल बिलोंग करेगा, नॉट टू ईच ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो देर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक कॉन्स्टेंट, मतलब कि क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करेगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो हर ऑब्जेक्ट के पास किसकी कॉपी होगी, इसकी कॉपी होगी, लेकिन अगर वो डायरेक्टली इससे रिलेट होगा क्या हो जाएगा, मतलब कि कॉन्स्टेंट होगा, मतलब कि उसकी सिर्फ एक ही कॉपी होगी। अब बात आती है, इट इज अवेलेबल टू क्लाइंट प्रोग्रामर, मतलब कि इफ मतलब कि ये तभी अपने जो आपके क्लाइंट प्रोग्रामर जो आपके साथी प्रोग्रामर हैं उनको अवेलेबल होगा जब इसकी प्राइवेसी क्या होगी, पब्लिक होगी, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, और तमाम ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास को तभी मतलब कि उसको अवेलेबल होगा जब इसकी प्राइवेसी क्या होगी, पब्लिक। वैन रेफरिंग टू सच आर डिफाइंड कॉन्स्टेंट आउटसाइड द क्लास, लेकिन मतलब कि हमें इस कॉन्स्टेंट को जो स्टैटिक कॉन्स्टेंट, अगर हम इसको आउटसाइड द क्लास रेफर करना चाहें तो हम ऑब्जेक्ट की बजाय क्या लिखेंगे, पहले क्लास का नेम लिखेंगे, फिर जिसको आप मतलब कि जिसको आप क्या कर रहे हो, जिसको आप चाह रहे हो को रेफर करें वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्टैटिक कॉन्स्टेंट, एक दफ़ा इसकी हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कंपाइलर पे जा। तो फ्रेंड्स हम मौजूद हैं अपनी कंपाइलर स्क्रीन पे, सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, मैं स्टैटिक, आई एम सॉरी, इधर लिख, इधर से नेक्स्ट करना है, इधर मैं जावा पे जाऊंगा और नेक्स्ट कर दूंगा, तो इधर मैं लिखूंगा स्टैटिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो मैं फिनिश कर दूंगा अब इसे। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको सबसे पहले मैं एक आउटसाइड द क्लास क्या करूंगा, एक क्लास क्रिएट करूंगा, मेन क्लास से बाहर मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा, एग्जाम्पल नाम की एक क्लास क्रिएट कर चुका हूँ मैं। अब इसको मैं कुछ एक कॉन्स्टेंट दे देता हूँ, किसका, एक पब्लिक कॉन्स्टेंट देता हूँ, किसका, एक पब्लिक कॉन्स्टेंट देता हूँ, और जिसका मॉडिफायर क्या, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट रोल नंबर, सही, तो इसको मैं देता हूँ 34 की वैल्यू। तो अब क्या है, अब मैं इसको उधर जाके ऊपर जाके कॉल भी कर लूँगा साथ ही, तो एक दफ़ा मैं इस एरर को ख़त्म कर लूँ। तो इसका एरर ये था कि इधर मैंने स्पेस डाल दिया, थोड़ी सी गलती से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है किसी से भी, तो ये क्या हो गया, इधर एक्सेस हो गया, मतलब कि इधर मैंने इसको वैल्यू दे दी 34। अब क्या है, अब मैं इसको इधर एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं किधर एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं इधर एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा एस आउट और साथ ही लिख दूंगा मैं जो चाहिए मुझे, जिस क्लास से डॉट डॉट क्या मुझे चाहिए, रोल नंबर। तो मैं अब इसको प्रिंट करवाऊंगा,
मेनली जो इसका काम यही है कि आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, ये इसकी आउटपुट आ गई है, मतलब कि एक अलग पेज पे आती है इस कंपाइलर पे, आउटपुट ये आ गई 34। तो इधर मैंने किसी चीज़ को कॉल नहीं किया, मतलब कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या हुआ, इसकी मेमोरी मैनेजमेंट हुई, मेमोरी मैनेजमेंट के साथ साथ क्या हुआ, इसकी स्पीड आपके ऐप की अच्छी हो गई। इसलिए ऐप की कोडिंग में ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप स्टेटिक कॉन्स्टेंट को यूज़ करें। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्टैटिक वेरिएबल, मतलब कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल, अब वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके डाटा को, जो आपकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, एक स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, आपकी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और इनको आप खुद से चेंज भी कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, लेकिन जो आपने उसमें कॉन्स्टेंट में प्रोवाइड कर दी वही वैल्यू एंड तक चलेगी। तो सबसे पहले क्या बात है, ए स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू क्लास एज अ होल, नॉट जस्ट टू वन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो पुराने वाली बात, जो आपका स्टैटिक वेरिएबल हो वो क्या होगा, द क्लास एज अ होल को क्या होगा, बिलोंग करेगा, ना कि नॉट टू जस्ट एन वन ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट को नहीं करेगा, पूरी क्लास को बिलोंग करेगा। तो देर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल पर क्लास। आई एम सॉरी, मैं आपको स्टैटिक कॉन्स्टेंट की में भी कॉपी का मतलब समझाना रह गया, मैं इसी के जब नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगा तब मैं वो भी समझा दूंगा। अब क्या, देर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स पर क्लास, मतलब कि एक क्लास में सिर्फ एक ही कॉपी होती है, मतलब कि अगर एक दफ़ा आपका प्रोग्राम रन होगा, और मतलब कि अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये एक मेरा कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना है वन, तो अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और मैंने यूज़ किया, क्या किया हुआ यूज़, और मैंने इधर यूज़ किया हुआ स्टैटिक, तो क्या होगा, ये सिर्फ इसमें एक दफ़ा इंक्रीमेंट करेगा, मतलब कि इसकी एक ही कॉपी रखेगा, बाद में नहीं करेगा, क्योंकि इसने मेमोरी मैनेजमेंट करनी है। ऑल दी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैन रीड एंड चेंज स्टैटिक वेरिएबल, मतलब कि पूरी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इस स्टैटिक वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पे क्या आता है, स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर विद द एडिशन ऑफ मॉडिफायर स्टैटिक, मतलब कि अगर आप एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आप एक इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ स्टैटिक मॉडिफायर को अगर लगा दें, तो क्या हो जाएगा, वो आपका स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एंड इनिशलाइज एट द सेम टाइम, मतलब कि जो आपका स्टैटिक वेरिएबल वो क्या हो जाएगा, वो डिक्लेयर्ड भी हो सकता है और इनिशलाइज भी हो सकता है एट अ सेम टाइम। तो अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। तो वर्किंग पे जाने से पहले, अगर आप अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं कंपाइलर स्क्रीन, तो मैं आ गया हूँ कंपाइलर स्क्रीन पे, मैं एक न्यू फिर से प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो हम इसी तरह ही कर लेते हैं, जो इसी का प्रोजेक्ट है, इसी का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ही हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जावा क्लास क्रिएट कर ली, किस नाम की, इसमें हम एक मेन क्लास किस नाम से क्रिएट करें, हम करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स के नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो ये मेरी एक स्टैटिक वेरिएबल के नाम से क्लास क्रिएट हो गई है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक सबसे पहले एक मेन मेथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक स्टैटिक void, void main string और मैं इधर आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस नाम को आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर इसके बारे में आप जानना चाहें, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इस स्टेटमेंट पे, पूरी मेन मेथड की स्टेटमेंट पे। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि इसको हमने स्टेटिक क्यों रखा, इसको स्टेटिक इसलिए रखा कि हमें इसको कॉल ना करने पड़े, ये खुद ब खुद ही क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, खुद ब खुद ही टोटली पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मैं फिर से एक क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास किस नाम की, मैं एग्जाम्पल नाम की एक फिर से क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नाम की मैं एक क्लास क्रिएट कर चुका हूँ, इसमें मैं क्या रखूँगा, डुप्लीकेट क्लास। स्टैटिक कॉन्स्टेंट में भी हम इसको बना चुके हैं, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं रख देता हूँ एग्जाम्पल टू के नाम से, ठीक है। तो इधर मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से आप एक
स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी प्राइवेसी देंगे, मैं दे देता हूँ पब्लिक, ताकि मेरा कहीं भी एक्सेस हो जाए जो इंटांस वेरिएबल होगा। तो मैं स्टैटिक, इसकी मैं रिटर्न टाइप रख देता हूँ, फिर से मैं रोल नंबर लिखूँगा। रोल नंबर को मैं कोई भी वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लूँगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। चलें वैसे ही दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको वर्किंग दिखानी है। अगर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे फिर हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं फ़ोन नंबर भी इसमें ही लिख देता हूँ। तो ये थे हमारे दो वेरिएबल। अब इन दो वेरिएबल्स को मैं कोई वैल्यू भी दे देता हूँ, मैं 03177751666 दे देता हूँ इसको वैल्यू, और रोल नंबर दे देता हूँ 3039। तो अब क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ आउटसाइड दी क्लास, मतलब कि मैं इसको किधर एक्सेस करना चाहता हूँ, आउटसाइड दी क्लास एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, एस आउट लिखूंगा, तो इधर लिखूंगा योर रोल नंबर इज इक्वल टू, जो आपका रोल नंबर है वो किसके बराबर है, इधर मैं प्लस लिखूंगा। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से एक्सेस करते हैं, सबसे पहले क्लास का नाम और फिर एक्सेस मॉडिफायर, फिर रोल नंबर। इस तरह हम रोल नंबर को एक्सेस करेंगे। तो इधर मैं फिर एस आउट लिख देता हूँ, योर फोन नंबर इज इक्वल टू प्लस एग्जाम्पल 2 डॉट फोन। तो अब इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ये किसको कॉल हो गई है, ये इधर कॉल हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिमूव करते हैं हम डिस्कॉर्ड, तो इधर जाके दोबारा से इसको रन करते हैं। ये क्या एरर दे रहा है जिस वजह से ये रोल नंबर नहीं सही हो रहा है, मैं इस एरर को एक दफ़ा चेक कर लूँ। तो एरर ये था कि मैंने दो क्लासेस क्रिएट की हुई थी उस स्क्रिप्ट के लिहाज से, तो उस वजह से ना मेरा थोड़ा सा एरर आ रहा था। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको रन कर देता हूँ दोबारा से। थोड़ी सी माइक प्रॉब्लम है, इस तरह से ना एरर आ रहे हैं, तो इसकी मुझे रिटर्न टाइप जो डेटा टाइप थी वो लॉन्ग रखनी चाहिए थी, तो मैं लॉन्ग रख देता हूँ। लॉन्ग रखने के बाद अब मैं कर देता हूँ रन, तो ये क्या एरर दे रहा है, योर फोन नंबर इज, तो ये थोड़ा सा डाटा टाइप का एरर दे रहा है। डाटा टाइप एरर को थोड़ी किसी और तरह से सॉल्व कर लेते हैं, या फोन नंबर को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट कर लेने के बाद ये हमारा अब फोन नंबर बिल्कुल सही एक्यूरेटली आपको शो होगा। तो जो जीरो होता है वो आपको शो नहीं होता, तो वन से स्टार्ट होगा, इस तरह से आपका जो फोन नंबर है वो चलेगा। तो अब क्या है, अब क्या बात आती है, एक दफ़ा ये एक दफ़ा दोबारा देखें इसको, ये कोई कुछ और ही एरर दे रहा है, 1339। इसको कोई और वैल्यू प्रोवाइड करके देख लेते हैं हम, इसको कोई और वैल्यू किस तरह से प्रोवाइड, 03 की या 344 की वैल्यू प्रोवाइड की, मेरा फ़ोन नंबर ये है, तो मैंने ये कर दी। मतलब कि अगर जीरो स्टार्ट में करोगे तो वो कंपाइलर का एरर आ जाएगा। वो अगर एरर आप चेक करना चाहते हैं तो हमारे जो आउटपुट वाला टॉपिक है ना, आउटपुट किस तरह से आती है, डेटा टाइप्स वाला टॉपिक, वो आप एक दफ़ा अच्छे से अगर देख लें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको ज़्यादा बेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के सामने, मतलब कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है। तो सर जी, अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास हैं, जो कि हमारा है स्टैटिक मेथड, मतलब कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टैटिक मेथड है। सबसे पहले आपको बताता चलूं मैं कि क्लास मेथड रिक्वायर्ड है, मतलब कि किसी भी क्लास का मेथड है उसको इन्वोक करने के लिए, उसको कॉल करने के लिए एक क्या चाहिए आपको, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो मतलब कि जो नॉन स्टैटिक हो। नॉन स्टैटिक मेथड को हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉन स्टैटिक को हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये था, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। दीज आर सम टाइम्स नोन एज नॉन स्टैटिक मेथड, और इस टाइप के मेथड को हम क्या करेंगे, नॉन स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड में क्या, स्टिल बिलोंग्स टू क्लास, मतलब कि पुरानी बातों की तरह बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, क्लास है, बट नीड नो कॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि अपना कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। एंड ऑफ्टन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, मतलब कि और भी कुछ किस्म के, जैसे
यूनिटी फंक्शंस आपको देता है, इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं फिर हम इसको बनाते हैं। जो आपका स्टैटिक मेथड हैव नो कॉलिंग होस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसका कोई कॉलिंग होस्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं हो रहा होता। दे हैव नो दिस, मतलब कि जो हमने आपको दिस के लेक्चर में बताया, दिस कीवर्ड के लेक्चर में बताया था, उस वीडियो को अगर आप देखें तो वो जो दिस है वो क्या किसकी रेफरेंस दे रहा था, रेफरेंस दे रहा था ऑब्जेक्ट की। अब आप दिस कीवर्ड को इसमें यूज़ नहीं कर सकते स्टैटिक कीवर्ड में। इसके बाद क्या है, देयरफॉर स्टैटिक मेथड कैन नॉट रेफर टू एनी इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द क्लास। अब क्या बात है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, क्या जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है वो स्टैटिक वेरिएबल, वो क्या नहीं हो सकता, वो स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं हो सकता। जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल वो क्या नहीं हो सकता, स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं हो सकता। जो स्टैटिक वेरिएबल है वो उसको आप इंस्टेंस वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, जो स्टैटिक होता है वो स्टैटिक को रेफर करेगा, जो इंस्टेंस अकेला इंस्टेंस होगा वो क्या नहीं होगा, वो स्टैटिक नहीं होगा। इस वजह से क्या है कि वो उसको रेफर नहीं करेगा। अब क्या, इन्वोक एनी मेथड दैट हैज एन इंप्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट दिस फॉर कॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये जिसके जिसमें दिस या सुपर कीवर्ड का यूज होगा, दिस या सुपर कीवर्ड का यूज होगा, ये उसको इन्वोक नहीं करेगा। इसके बाद स्टैटिक मेथड में इन्वोक अदर स्टैटिक मेथड और रेफर स्टैटिक वेरिएबल्स और एंड कॉन्स्टेंट, मतलब कि जो आपका स्टैटिक मेथड है वो अपनी स्टैटिक चीज़ों से मिलेगा। जिस तरह के अब अगर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक पाकिस्तानी बंदा है तो वो पाकिस्तानी ही बंदों को चीज़ें सेल करेगा, किसी अब्रॉड कंट्री वाले को सेल नहीं करेगा। तो ये आप चीज़ एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, इस क्लास डेफिनेशन में कंटेन बोथ स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड, जो क्लास की डेफिनेशन होती है वो बोथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स कंटेन करती है। तो अब चलते हैं हम अपनी कंपाइलर स्क्रीन पे और हम इसको भी करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो दोस्तों मैं हूँ अपनी कंपाइलर स्क्रीन पे, फिर मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, एक नया मतलब कि प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टैटिक मेथड के नाम से, मेथड के स्पेलिंग ही गलत हो गए। तो चलें, हमने तो प्रैक्टिस ही करनी थी, कोई मसला नहीं है, जिस तरह के मर्जी क्रिएट हो जाएं। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, सबसे पहले एक आउटसाइड क्लास क्रिएट कर देते हैं एग्जांपल नाम की। एग्जांपल नाम की क्लास क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिख दूँगा इधर जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, वो प्राइवेट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, प्राइवेट होने चाहिए। सॉरी, मैं आपको पहले वो कॉपी वाली पहले वो बात बता दूं। अब कॉपी वाली किस तरह से बात है, कॉपी वाली बात कुछ इस तरह से बात है कि देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक मेथड, इधर मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूं जो है हमारा पब्लिक स्टैटिक, इसकी जो रिटर्न टाइप वो इंट है और इसका नाम क्या है, कॉपी वन, कॉपी एग्जाम्पल, कॉपी एग्जाम्पल। और इस मेथड को इस तरह से लिखते हैं, मेथड के आगे दो, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इधर जो आपका रोल नंबर है, क्या है रोल नंबर है, मतलब कि इसको रेफर कर रहे हैं, उसमें क्या हो इंक्रीमेंट हो और फिर इधर से क्या रिटर्न हो जाए, सी कॉपी, इधर से रिटर्न हो जाए पेस्ट, ये चीज़ मतलब कि क्या चीज़, ये चीज़ रिटर्न हो जाए। तो इधर हम एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, क्या क्रिएट कर लेते हैं, इसको एक दफ़ा रिमूव कर लेते हैं हम इधर से रिमूव करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इजीली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकेंगे। तो मैं इसी चीज़ को कॉपी कर देता हूँ, इधर ले जाके पेस्ट, ईवन ऑब्जेक्ट का नाम, फिर न्यू, फिर एग्जांपल, पैरेंथेसिस, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और फिर मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ E2 के नाम का, जिसको मैं वैल्यू देता हूँ न्यू की, और इधर मैं क्या कर देता हूँ जी, इधर मैं जी
तो इधर मैं फिर जाके पेस्ट करके, मतलब कि मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, अब मैं तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये जो कॉपी वाली है, मतलब कि हर ऑब्जेक्ट के पास इसकी एक सिंपल एक कॉपी होगी, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से एक कॉपी होगी। तो बेहतर ये होगा कि चलें 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 इसको हम एक कंस्ट्रक्टर ही बना लें, इस चीज़ को क्या बना लें, हम एक कंस्ट्रक्टर ही बना लें। इसको हम बना लेते हैं जी एक कंस्ट्रक्टर टू। तो कंस्ट्रक्टर बना के, तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर है जो हमारा, वो इस तरह से कुछ वैल्यू देता है हमें। मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ, सेमी कॉलम खत्म कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। किस प्रोग्राम को? इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखें, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कॉल हुई, जब इस ऑब्जेक्ट ने कॉल की, इसके पास थी एक कॉपी, क्या थी, इसके पास 3039 था। जब नीचे आया क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगी, वैल्यू किधर आ गई, मतलब कि क्या हो गया, 40 हो गया। 40 से नहीं बढ़ेगा, अब क्या होगा, फिर इस लाइन पे कर्सल नहीं जाएगा, इस लाइन को स्किप करके इधर आ जाएगा, लेकिन इधर उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो रन नहीं करेगा। मतलब कि उसके पास क्या कॉपी थी, एक थी कॉपी। अब क्या, ऑब्जेक्ट टू कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट टू पे सेम वही कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है जो इधर इसकी क्या वैल्यू हो गई थी, मतलब कि इधर जो रोल नंबर था इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी 3040 हो गई थी। अब उसने 3040 में इंक्रीमेंट किया, 3041 और 3042, मतलब कि ये चीज़ कि अगर आप स्टैटिक को यूज़ कर दें तो सिर्फ एक दफ़ा ही इंक्रीमेंट होगा। ये था कॉपी का। अब हम आ जाते हैं अपने मेथड पे। मैंने अभी इधर कुछ भी नहीं किया, मैंने एक जस्ट क्लास क्रिएट की है। अब मैं क्या क्रिएट करने जाता हूँ, अपना एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, प्राइवेट स्टैटिक के नाम से, मतलब कि जो इसी क्लास में एक्सेस करे। तो मैं स्टैटिक के नाम से करने जा रहा हूँ जी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं रख देता हूँ नेम। नेम इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ मोहम्मद अबू बकर, इस नाम से मैं कर देता हूँ। तो अब मैं क्या कहता हूँ, एक मेथड के मदद से इसको एक्सेस कर देता हूँ। मेथड मेरा क्या होना चाहिए, पब्लिक। अब क्या स्टैटिक है, तो इसको मैं कह देता हूँ जी ये मेरा एक्सेस एक्सेस मेथड है। एक्सेस मेथड के अलावा ये इस तरह पब्लिक स्टैटिक, इसकी रिटर्न टाइप भी होनी चाहिए। इसकी रिटर्न टाइप मैं खाली छोड़ देता हूँ, वॉइड वॉइड छोड़ देता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ एस आउट। एस आउट में मैं क्या लिखूँगा, जो मेरा इधर से इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो फिर मैं इधर क्या रखूँगा, इधर मैंने अभी ऑब्जेक्ट तो नहीं ना क्रिएट किया, इसलिए मैं इसको इस तरह एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इधर जस्ट लिखूंगा क्लास का नाम, किस तरह से एक्सेस कर देते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले क्लास का नाम आएगा, फिर जिस मेथड को आप एक्सेस कर रहे हैं उसका मतलब के नाम वगैरह आएगा। तो ये आ गया। अब देखें, यार ये शो करवा रहा है कि वॉइड इज नॉट अलाउड हेयर। तो चलें हम इसकी मान लेते हैं, हम इधर स्ट्रिंग कर देते हैं। स्ट्रिंग करने के बाद हम इधर से रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न क्या कर देते हैं, नेम कर लेते हैं रिटर्न। तो अब रन कर देते हैं जी। तो सर ये मेरा नाम प्रिंट हो गया है। अब मैं फिर स्टैटिक मेथड में आता हूँ। अब मैं इधर चेंजिंग कर देता हूँ, मैंने इधर क्या कर दी, स्टैटिक कर दी। अब ये मुझे इधर क्या एरर शो करवा रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड एक्सेस कैन नॉट रेफर टू अ स्टैटिक कॉन्स्टेंट। मतलब कि ये क्या स्टैटिक चीज़ है, इसको क्या चीज़ रेफर नहीं कर सकती, ये चीज़ रेफर नहीं कर सकती, मतलब कि ये स्टैटिक होना चाहिए। तो अगर मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, वही एग्जाम्पल, वही पाकिस्तानी वाले एग्जाम्पल, जो पाकिस्तानी होगा वो पाकिस्तानी को सेल करेगा चीज़, मतलब के स्टैटिक स्टैटिक को चीज़ देगा। तो ये थे हमारी कुछ एग्जाम्पल्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और पता चल गया होगा स्टैटिक कीवर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं। मेनली दो चीज़ें समझने वाली हैं कि ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, और दूसरा इसलिए यूज़ होता है कि अगर मेमोरी कम एलोकेट होगी तो क्या होगी, ऐप की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। थैंक यू वीडियो एंड तक देखने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा और
हर दफ़ा की तरह प्रेजेंटेशन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।